गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास हूँ और आज कुछ खास स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है। सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज रहे हैं। हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं नहा धो के, क्योंकि आज मेरे बेटे का है बर्थडे, नवी का बर्थडे है। नवी आज 4 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और घर में नवी की थोड़ी नवग्रहों की पूजा है, तो उसके लिए पंडित जी को 8 बजे का टाइम दिया था। तो फटाफट से सब लोग जल्दी जल्दी उठकर आज नहा गए हैं। घर में मैंने पूरी साफ़ सफाई कर दी है, झाड़ू पोछा कर दिया है, तो पंडित जी आने वाले होंगे। फटाफट से हमें तैयारी भी करनी है पूजा की। 8 बजे का हमने टाइम दिया है पंडित जी को, क्योंकि नवी को उसके बाद हमें स्कूल भी छोड़ना है। उसके स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेट होगा थोड़ा सा बच्चों का, और वो गिफ्ट वगैरह लेके आए थे बच्चों के लिए, तो वो भी बच्चों को देने हैं, तो इसलिए हमें फटाफट से जल्दी करना होगा। तो मिलते हैं अभी, फटाफट से और काम कर लेते हैं, फिर पंडित जी के साथ मिलती हूँ आप लोगों को हवन में। ठीक है फ्रेंड्स, गाइस पंडित जी आ चुके हैं और उन्होंने अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है नवग्रह पूजा की। तो यहाँ पर वो अपना सारी तैयारी कर रहे हैं, आसन उन्होंने अपना लगा लिया है और यहाँ पर वो तैयार कर रहे हैं हवन सामग्री जो हमें चाहिएगी एंड में सबसे हवन होने के बाद। और बाबू देखिए कितने अच्छे से बैठा है, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। वो कह रहा था मम्मा मेरा बर्थडे है, मैं पूजा करूँगा। नवी को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी अपने बर्थडे की और उसको देख के हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। ओम जयंती मंगला काले भद्र काले कपाले दुर्गा क्षमा शिवा धारा स्वाहा स्वाहा नमो स्वाहा देवी चामुंडे जय भूता त्याणी जय सरस्वती देवी का। पंडित जी ने जैसे ही पूजा स्टार्ट की, मैक्स बहुत बुरी तरह भौंकने लग गया कि उसको लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। घर में घंटी बज रही थी, मंत्र बोल रहे थे पंडित जी, तो बहुत ज़्यादा भौंक रहा था, इसलिए मैंने इसमें आवाज़ म्यूट कर दी है क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इरीटेट कर रही थी। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम लोगों का तिलक लग चुका है और पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा करवाई थी। अब मम्मी का भी तिलक लग रहा है। नवी की पूजा यही पंडित जी करते हैं हमारी, 4 साल से लगातार नवी की पूजा नवग्रहों की पंडित जी करते आ रहे हैं। तो पहले तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ नवी की पूजा और सब कुछ। तो पंडित जी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पंडित जी ने पूजा की और अब हो चुका है टाइम हवन करने का। पूजा खत्म हो गई थी, काफ़ी लंबी पूजा स्टार्ट हुई थी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ पूरी शेयर नहीं कर रही हूँ, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। यहाँ पर अब हवन की तैयारी हो रही है तो पंडित जी यहाँ पर बना रहे हैं चंद्रमा वगैरह जो भी बनता है, वो बता रहे थे कि इस तरह से बनता है नवी को, और नवी फुल इंजॉय कर रहा था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हवन करना। पंडित क्या करते हैं इसी को यहाँ बनाने दिक्कत आती है ना, तो उसका तरीका है ना कि एक तरफ तोड़ मतलब ऐसे पेन इसमें ना उड़ती नहीं है जी, ये पूरा लहास जहाँ से शुरू हुआ वही आना चाहिए घुमा के, इसका तरीका है। हाँ पंडित लोग बनाना नहीं आता नहीं, इसलिए उसको यहाँ पे नवी को बता रहे हैं कि इस तरह से आपने हवन सामग्री डालनी है हवन में, कि ये फिंगर्स निकाल देनी है और तब डालनी है। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय रघुनाथ हरे भद्रनाथ पावे
ओम जय जगदीश हरि मातु पिता तुम मेरे शरण गौ मई सरि स्वामी शरण लेना है। लो मैं दे रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे नबी। अरे इतने सारे फूल। पूजा खत्म करने के बाद हम चले गए थे नवी को स्कूल छोड़ने के लिए और ये कुछ गिफ्ट उसके क्लासमेट्स के लिए लिए थे तो इसको भी लेके जा रहे थे घर। मेरे को टाइम ही नहीं मिला आपको दिखाने का। तो नवी जा रहा है मुस्कुराता हुआ स्कूल। स्कूल से आने के बाद हम उसको लेके आ गए थे मंदिर। यहाँ पे हम साईं मंदिर आए हैं और हमने माला ले ली है एक बड़ी बाबा के लिए और मंदिर में हो गया है हमारा प्रवेश। और ये देखिए बाबा की मूर्ति, देखिए तो सुंदर लग रहे है बाबा। थर्सडे था तो नवी को प्रसाद चढ़वाना था बाबा को नवी के हाथ से, तो हमने यहाँ पे एक लड्डू का डब्बा और एक बड़ी माला ले ली थी तो नवी के हाथ से यहाँ पर बाबा को भोग लगवा दिया है। और देखिए कि नवी कितना क्यूट लग रहा है ड्रेस में। इसके बर्थडे मैंने इसको ये वाली ड्रेस पहना दी थी और बाबा को उन्होंने माला चढ़ा दी है पंडित जी ने। और यहाँ पे नवी को लग रहा है तिलक और नवी बहुत ज़्यादा हैप्पी है। यहाँ पे मेरे को लग रहा है तिलक और ये देखिए नवी कैसे मत्था टेक रहा है, आशीर्वाद ले रहा है, कह रहा है भगवान जी मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा कर देना, ऐसे बोलता है वो, मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई करवा देना भगवान जी, मुझे बहुत अच्छा कर देना। तो हम दिन के टाइम आए थे तो मंदिर बिल्कुल खाली था, 2 बजे के करीब ये टाइम था और यहाँ पर नवी मत्था टेक रही हूँ। उस दिन बहुत ज़्यादा बिजी डे हो चुका था नवी के बर्थडे वाले दिन, तो मैंने भी आशीर्वाद ले लिया है बाबा से और मत्था टेक लिया है यहाँ पर। पूजा करने के बाद हम आ गए थे शॉप में कुछ डेकोरेशन का सामान लेने के लिए और नवी की बर्थडे कैप लेने के लिए। यहाँ पर हमने बर्थडे कैप ले ली थी और कौन सी ली थी वो आपको नवी के बर्थडे में ही देखने के लिए मिलेगी। और अब मिलेगा नवी को एक सरप्राइज। ये क्या आ गया बाबू के लिए? हाँ क्या है ये नोनी? कैसा लगा? अच्छा चला लो। शाम के 4 बज चुके थे और बर्थडे डेकोरेशन का काम भी स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर बैलून लगाने स्टार्ट हो चुके थे। ये भैया बहुत ही अच्छा डेकोरेशन करते हैं बैलून वगैरह का। आपको किसी भी तरह के बैलून अगर लगवाने होंगे तो मैं इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। इनको आप किसी भी तरह के बैलून लगाने के लिए बुला सकते हैं, बहुत अच्छे बैलून लगाते हैं, मतलब डेकोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी आती है इनको। इन्होंने डेकोरेशन का काम सीखा हुआ है तो हमने भी भैया को बुलाया था और आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। अभी ये डेकोरेशन आधा ही हुआ है, मैंने आपको दिखा दिया था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये पूरा हो जाएगा तो दिखा दूंगी। यहाँ पर हलवाई अंकल लग चुके थे अपना काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो थोड़ी सी क्लिप मैंने उनकी भी ले ली थी, वो तैयारी कर रहे थे खाने की। नवी का बर्थडे केक आ चुका है। लास्ट मोमेंट पे ये वाला केक डिसाइड हुआ था लेकिन जैसा हमने पसंद किया था वैसा उन्होंने उस तरह से बनाया नहीं, थोड़ी बहुत इसमें कमी रह चुकी थी। हम बहुत देर से सिलेक्ट कर रहे थे कि कौन सा केक बनवाना है कौन सा बनवाना है, तो ये ऑर्डर हमने 4 बजे दिया था और 7 बजे हमने ऑर्डर ले लिया था। फिर भी थोड़ी बहुत कमी हमें लगी थी पर क्या कर सकते हैं, काम तो चलाना ही पड़ेगा। तो फिर हमने यहाँ पर नवी की प्यारी प्यारी सी फोटोज़ क्लिक की, उसके बाद हमने
अपना फोटो शूट करवाया यहाँ पर, मैं और हस्बैंड और नवी। तो यहाँ पे हमारा फोटो शूट हो रहा है, उसके बाद होगी नवी की केक कटिंग, जो कि नवी बहुत अच्छे से खुश होके काटेगा। तो आप भी ब्लॉग इंजॉय कीजिएगा। ये है नवी की सबसे छोटी फ्रेंड। नवी इनके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है और ये कितनी प्यारी है देखिए, क्यूट सी गर्ल। अनन्या है इनका नाम, प्यार से इनको परी बोलते हैं। और केक कटिंग हो चुकी थी और ये देखिए दादी का यहाँ पर डांस। दादी को फुल और इंजॉय हो रहा था पोते के बर्थडे का। तो अभी यहाँ पर चाउमीन वगैरह और केक चल रहा है, उसके बाद करेंगे हम लोग डिनर। और नवी अपने पापा के साथ कर रहा है मस्ती। और फिर उसके बाद मिला था नवी को एक सरप्राइज, और ये नवी कैक्टस काफी दिन से मांग रहा था। तो हमने सोचा था इसके बर्थडे में इसको गिफ्ट देंगे और ये खुश हो जाएगा। तो इसको पाके ये बहुत ज्यादा खुश हो गया था। उसके बाद ये भैया और जीजू यहाँ पर खाना खा रहे हैं, खाना एंजॉय कर रहे हैं। और मैं भैया भाभी के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी, तो काफी ज्यादा इंजॉय किया सबने और खाना भी खा लिया। अच्छा खाना बना हुआ था, फूफा जी ने अच्छा खाना बनाया हुआ था। और ये देखिए पतिदेव भी उनको छेड़ रहे हैं भैया भाभी को, यहाँ पे मम्मी खड़ी है, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और पापा और बेटे तो लगे हुए हैं, ये भैया लोग भी कर रहे हैं इंजॉय। फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी हो चुकी है ख़त्म और बारिश इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई ना कि बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। और सबको समेटने में ना पूरे बाल भी गीले हो गए, कपड़े भी गीले हो गए। तो मैं अब कपड़े चेंज कर रही हूँ और घर मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया है, थोड़ा सुबह करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और ना अंदर ना पानी वगैरह आ रहा था, मतलब जैसे हम बाहर से आ रहे थे तो अंदर पानी वगैरह आ रहा था। तो अब मैं आपके साथ मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ, होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको मेरे बेटे का बर्थडे ब्लॉग? अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।